Hello friends, welcome to my YouTube channel of which we are copper analysis for next week. So last trading session में copper बंद हुआ है 819.80 पे, लगभग 3 रुपए गेन के साथ 0.03% ऊपर. और यहाँ मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो इस महीने के लिए हम फ्लैट नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 2 रुपए लॉस के साथ. लास्ट मंथ में हमने लगभग 7% के गेन देखे थे, ऊपर के लेवल से अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हुआ था, फिर भी कॉपर जो है तो 7% गेन के साथ बंद होने में कामयाब हुआ था. उसके बाद पहले जो है तो हमने लगभग 4.5% की गेन देखे थे, लगभग 31-32 रुपीज़ के गेन के साथ बंद हुआ था. तो यहाँ फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिल सकती है. और यहाँ जो है तो मंथली चार्ट पे अभी भी कॉपर जो है तो बुलिश लग रहा है. जब तक कॉपर 800 का लेवल जो है तो होल्ड करता है तब तक आपको जो है तो लॉन्ग टर्म व्यू कॉपर पे बुलिश रखना चाहिए. ऊपर जो टारगेट बनते हैं वो 860 और उसके बाद में 950 के टारगेट जो है तो इंटैक्ट रहेंगे कॉपर के लिए. मगर उसके लिए कॉपर को 800 का लेवल ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस होल्ड करना पड़ेगा. तो मंथली चार्ट पे बुलिश लग रहा है, यहाँ हमारी बाइंग की सलाह रहेगी. अभी देखते हैं वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि लास्ट 4 वीक्स से कॉपर जो है तो पॉजिटिव ही क्लोज हो रहा है. लास्ट इस वीक हम जो है तो लगभग 0.5% ऊपर बंद हुए 4 रुपये गेन के साथ. लास्ट वीक हम जो है तो नेगेटिव क्लोज हुए थे, मगर जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग भी हुई थी, इसलिए ब्लू कैंडल दिख रही है. उससे पहले भी जो है तो 3 रुपये के गेन के साथ और उससे पहले लगभग 6 रुपये के गेन के साथ. तो यहाँ देख सकते हो आप एक फ्लैट पॉजिटिव या नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है और रेंज छोटी हो चुकी है. तो यहाँ क्लियरली कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है कॉपर, मगर उसका जो आउटलुक है या फिर प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न है वो दोनों भी बुलिश है. तो जब तक 800 का लेवल जो है तो होल्ड कर रहा है कॉपर तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन ही रखनी चाहिए या फिर लॉन्ग व्यू ही रखना चाहिए. इन मीडियम टर्म ऑल्सो आपके जो टारगेट रहेंगे वो 860 उसके बाद में 950 के रहेंगे. जब तक कॉपर 800 के ऊपर है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस हम लॉन्ग व्यू ही लेकर चलेंगे. हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी बाय ऑन डिप्स, टारगेट रहेंगे 860 और उसके बाद में 950 के. अभी देखते हैं डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो एक रिकॉर्ड हाई लगाया था, उसके बाद में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी थी, उसके बाद में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, एक बाउंस बैक देखने को मिला. और उसके बाद में अभी जो है तो कॉपर कंसोलिडेशन फेज में है. यहाँ जो है तो जब तक हम 800 के ऊपर है तब तक यहाँ बुलिश व्यू ही रखना चाहिए. नीचे जो है तो 796 जो है तो 50 डेज का एवरेज है और उसके नीचे 750 जो है तो 200 डेज का एवरेज है. तो हो सकता है कि एक बार कॉपर जो है तो 797-800 के लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है. तो अगर उन लेवल पे हमें कॉपर मिलता है तो हमारी कोशिश रहेगी लॉन्ग जाने की. हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा उस सिचुएशन में वो रहेगा 780 के नीचे, टारगेट रहेगा 860 का. तो एक अच्छी शॉर्ट टर्म ट्रेड बैठती है. यहाँ मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन होने के ख़त्म होने के बाद आपको एक जो है तो एक अच्छी खासी रैली कॉपर में आते हुए देख सकते हैं. तो यहाँ मेरा व्यू रहेगा लॉन्ग साइड पे, हम यहाँ भी बाय ऑन डिप्स ही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. अगर हमें 800 के करीब मिलता है कॉपर तो बिल्कुल अच्छा खासा आपको ओवरवेट लॉन्ग जाना है यहाँ कॉपर पे. स्टॉप लॉस रहेगा 780 के नीचे, टारगेट रहेंगे 860 और उसके बाद में जो है तो हो सकता है कि 950 की भी टारगेट कॉपर हमें दिखाई दे. अगर आप पिवट पॉइंट पे देखोगे तो ऊपर की तरफ 870 ये पहला रेजिस्टेंस है, वो रहेगा पहला टारगेट. उसके बाद में जो है तो 900 और लास्ट में जो है तो आप यहाँ देख सकते हो कि 940. तो ये टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो. मुझे लगता है कि कॉपर में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है. तो यहाँ बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है. अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो लॉन्ग ही जाना है और आपको सपोर्ट के अराउंड कॉपर में लॉन्ग पोजिशन बनानी है. तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको शोर शॉर्ट कम्युनिटी कॉल चाहिए भी तो लाइव मार्केट फॉलो अप एंड सपोर्ट तो मेरे प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.